आपका दोस्तों देसी तड़का विद अमिता में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ आगरा की फेमस आलू की टिक्की यानी भल्ला, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस है आगरा की आलू की टिक्की। तो अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल आइकन आता है उसको ज़रूर दबाएँ। उसी को दबाने से आपको मेरे आगे आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आलू की टिक्की की। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 7 से 8 मीडियम साइज के आलू, एक बोल काबुली चना, ये हमने सोक करके रख लिया था 5 से 6 घंटे के लिए, फिर हमने बॉईल कर लिया है। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ज़्यादा बॉईल नहीं किया है इसको हमने, 5-6 सीटियाँ लगाई थी। उसके बाद हमें चाहिए 6 चम्मच अरारोट या फिर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं आप, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच चाट मसाला। तो आइए दोस्तों रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि आप गरम आलू मत ले लीजिएगा आलू की टिक्की और भल्ला बनाने के लिए। उसके लिए आपको आलू कम से कम 2-3 घंटे पहले बॉईल करके रखने हैं। और मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है कि 2-3 घंटे पहले आप बॉईल करके रखें, तो भले ही आप 1 घंटे पहले बॉईल करके आलू को और ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख दें तो वो बाइंडिंग अच्छी होती है उससे। तो इस तरीके से हम सारे आलूओं को ग्रेट कर लेंगे। तो हमने आलूओं को ग्रेट कर लिया है। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि आलू आप ज़्यादा बॉईल मत कर लीजिएगा, इस तरीके से हमें आलू बॉईल करना है। देखिए थोड़ा कड़ा है ये, एकदम से बॉईल नहीं करना है, ज़्यादा बॉईल करके फिर वो पानी छोड़ देगा तो आपके जो आलू की टिक्की है वो अच्छी नहीं बनेगी। तो और हमें ठंडे आलू लेने हैं, गर्म आलू बिल्कुल मत लीजिएगा, नहीं तो वो आपकी टिक्की करारी नहीं होगी और वो अच्छी नहीं बनेगी। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अरारोट, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं, इससे क्या है बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है टिक्की की, एकदम टिक्की कुरकुरी और एकदम क्रिस्पी बनती है। तो अब ये इसमें अरारोट अच्छे से मिक्स हो गया है, और हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था जिससे कि ये हमारे हाथ में चिपके नहीं। और ये देखिए एक डो के जैसा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम इसके बड़े बड़े गोले बना लेंगे। तो हमने हाथ में पहले ऑयल लगा लिया है, उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे जिससे कि ये हाथ में चिपकेगा नहीं। और हमने आलू में इसलिए कोई मसाला या नमक नहीं डाला दोस्तों, क्योंकि हम स्टफिंग में डालेंगे, हम ये स्टफिंग वाली टिक्की बना रहे हैं। इसमें भी मैं आपको वेरिएशन बता दूंगी कि इसमें जैसे हमने काबुली चने लिए हैं तो हम मटर भी ले सकते हैं, मटर के दानों को उबाल के हम यूज़ कर सकते हैं, चने की दाल ले सकते हैं। ये देखिए हमने इतना बड़ा ये पेड़ा तैयार कर लिया है। आप अगर और बड़ा चाहते हैं आलू की टिक्की तो आप और बड़ा पेड़ा बना सकते हैं, ये हमने पेड़ा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम और भी ये पेड़े तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमारे ये आलू की टिक्की के लिए गोले बन के तैयार हैं। अब इसे हम साइड में रख देंगे, हम स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम छोलों को एक बोल में डाल लेंगे, उसके बाद हम इसको मैश करेंगे अच्छे से इस तरीके से। तो ये हमारा चना बिल्कुल मैश हो चुका है, बिल्कुल रेडी है ये स्टफिंग बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे नमक, काला नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और ये चाट मसाला। अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। और दोस्तों आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एक बार जब ये मिक्स हो जाए तो आप उसको टेस्ट करके भी देख सकते हैं, अगर आपको कुछ कम ज़्यादा लग रहा है जैसे नमक या मिर्च वगैरह तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। बस ये हमारी स्टफिंग रेडी है दोस्तों। तो ये हमारी स्टफिंग बनके रेडी है। अब ये जो हमने आलू के गोले बनाए थे इसके अंदर हम इस स्टफिंग को भरेंगे। थोड़ा हाथ से इसको पहले ऐसे चपटा करेंगे, उसके बाद हम इसमें ये स्टफिंग 1 चम्मच देंगे, इस तरीके से भरेंगे, इसको हाथ से थोड़ा अंदर करके सेट करेंगे इसके किनारों को हम इस तरीके से, इसके किनारों को हम बंद करेंगे। अब इस तरीके से हमें हाथ पे गोल गोल घुमाना है इसे,
देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ, बिल्कुल इस तरीके से आपको करना है। इसके किनारों को थोड़ा सा ऐसे हम गोल शेप दे देंगे। उसके बाद दोस्तों हमें इसको अरारोट या कॉर्नफ्लोर आपके पास जो भी है उसमें अच्छे से इसको ऐसे हमें कवर करना है, जिससे इसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाएगी और ये बहुत क्रिस्पी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से करना है। थोड़ा सा हम इसका जो एक्स्ट्रा है वो छाड़ देंगे। ये हमारी आलू की टिक्की रेडी है। देखिए दोस्तों हमारी ये आलू की टिक्की बनके तैयार है। अब इसको हम बस सेक लेंगे। उसके लिए हमने गैस पहले से ही ऑन करके रखी थी और इस पर हमने तवा रख दिया है। ये बड़ा तवा है, अगर आपके पास इतना बड़ा तवा नहीं हो तो आप घर के तवे पे भी सेक सकते हो। अब ये मैं इसमें घी डाल रही हूँ, देसी घी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप आलू की टिक्की और भल्ले देसी घी में ही सेकें तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसे आप रिफाइंड ऑयल और ऑयल में भी सेक सकते हैं। अब घी हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद अपनी टिक्कियों को इसमें डालेंगे और इसको हम थोड़ा सा चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे, जिससे ये नॉन स्टिक का काम करेगा, चिपकेगा नहीं ये टिक्कियों से। ये देखिए मैंने चारों तरफ स्प्रेड कर दिया है घी। अब हमारा घी गर्म हो गया है। अब देखिए हम इस पर डाल देंगे टिक्की। अगर आपके पास छोटा तवा है तो कोई बात नहीं, आप छोटे पे बना लीजिए, एक एक दो दो टिक्की करके आप बना सकते हैं। ये इसको दोस्तों सिकने में कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसको हम मीडियम स्लो फ्लेम पे हम इसको सेकते हैं, तभी ये बिल्कुल क्रिस्पी और बहुत करारे बनते हैं। दोस्तों ये मैं जो आपको डिश आज रेसिपी दे रही हूँ, ये आगरा की फेमस आलू की टिक्की और भल्ला की रेसिपी है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद भी है और ये मेरे पास मैसेज आया था बहुत से लोगों का, इसलिए मैं आपको सिखा रही हूँ। तो अब इसको हम सिकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी टिक्की को सिकते सिकते अब 5 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम एक बार पलटेंगे, तो आप इस स्टेप को बहुत ध्यान से करिएगा क्योंकि फ्लैट तवा है, अगर आप इससे डायरेक्ट इससे पलट देंगे तो आपके ऊपर छींटे आएंगी। एक तरफ से हमें इस छुरी से इसको होल्ड करना है और एक तरफ से धीरे से उठा के इसको यूँ पलट देना है। देखिए कितना प्यारा कलर आया हमारी टिक्की का, एक तरफ से ये सिक चुकी है करीब करीब और चिपकी भी नहीं है बिल्कुल तवे से, क्योंकि हमने पहले ही वो कोटिंग कर दी थी। देखिए एक तरफ से ये सिक चुकी है, दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे इसी तरीके से। दोस्तों अब हमारी टिक्की दोनों तरफ से सिक चुकी है, अब हम इसको इसके ये साइड सेकेंगे। वो कैसे सेकेंगे मैं आपको भी बताती हूँ कि देखिए कितना प्यारा कलर आया है, एकदम क्रिस्पी और स्मेल भी बहुत प्यारी आ रही है इसमें, देसी घी की एकदम बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो आप इसको अब ये से करके कस के इसको आप दबाइए बिल्कुल ऐसे, और इसको बीच इन दोनों टिक्की को हम साइड में कर देते हैं, इसको हम बीच में सेकने के लिए ले आते हैं। तो ये जो इसके साइड्स हैं वो यहाँ से भी बहुत अच्छे से सिक जाएगी, एकदम क्रिस्पी और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। कि ये एक तरफ से सिक चुका है, अब हम इसे पलट देंगे। ये देखिए चारों तरफ इसकी सिक गई, ये देखते हैं ये सब चारों तरफ इसकी सिक गई। दूसरी तरफ से भी ऐसे ही आपका भल्ला बहुत अच्छा क्रिस्पी सिक्के बनेगा। अब हमारा भल्ला दोनों तरफ से सिक के रेडी है। देखिए ये चारों तरफ से सिक गया है और इसको चाहे तो आप बीच में से भी काट के भी सेक सकते हैं, आगरा में तो ऐसे ही सेकते हैं बीच में से। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से और सेकेंगे, यहाँ से और सेकेंगे थोड़ा। दोस्तों अब हमारी ये टिक्की बिल्कुल सिक के तैयार है। ये देखिए दोनों तरफ से, ये देखिए पूरे तरीके से सिक चुकी है, किनारे भी इसके देखिए और ये इस तरफ से भी आप देख लीजिए। अब इसको हम निकाल लेंगे सर्व करने के लिए। देखिए दोस्तों हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आगरा में तो इस तरीके से तोड़ तोड़ के वहाँ पे हलवाई आपको इस तरीके से तोड़ के और फिर सर्व करता है वो। देखिए आपका भल्ला कितना क्रिस्पी है, ये देखिए इसके ऊपर हम चटनी डाल देते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे इमली की चटनी यानी सौंठ। ये देखिए हमारी इमली की चटनी कितनी काली है। ये चटनी, इमली की चटनी और हरी चटनी का रेसिपी मैं अपने डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है मैंने, वो आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर मैंने रेसिपी भी डाली है अपने चैनल पे, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये देखिए, इसके ऊपर हम अदरक से गार्निशिंग करते हैं। तो तैयार है आपकी आलू की टिक्की। दोस्तों तैयार है आपकी चटपटी आलू की टिक्की यानी भल्ला, जो आगरा में मिलता है। और ये दोस्तों वहाँ पर तो दही नहीं डालते, आप चाहे तो इसमें दही और प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।